कॉलोनिया है तो मैं एक सामुदायिक भवन बनाने की मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। जैसे लोगों का अपना, गरीब लोग यहाँ पे बहुत रहते हैं, कल की प्लानिंग करना, कैसे जाना है, कहाँ सुबह कहाँ मीटिंग करना है। कठिनाइयाँ तो है ही है, लेकिन इस कठिनाइयों में मुझे एक आनंद मिल रहा है, जनता का बड़ा प्यार मिल रहा है मुझे। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। स्वरूप नगर वार्ड नंबर 19 से भाजपा प्रत्याशी सुरेश पांडे के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन से पहले विधिवत रूप से सुरेश पांडे ने हवन पूजा की। क्षेत्र के लोग सुरेश पांडे के कार्यालय के उद्घाटन, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने हवन पूजा के दौरान जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। स्वरूप नगर वार्ड में सुरेश पांडे पिछले 22 साल से आम कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी और लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनकी साफ छवि और मेहनत के दम पर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और स्वरूप नगर के वार्ड नंबर 19 से भाजपा का निगम प्रत्याशी घोषित किया। जैसे ही एक आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया तो इलाके के सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बनता है। आलम यह है कि अब इस वार्ड के सभी कार्यकर्ता जी जान से भाजपा प्रत्याशी सुरेश पांडे के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मेरा नाम सुरेश पांडे है और वार्ड नंबर 19 स्वरूप नगर का मैं निवासी हूं और स्वरूप नगर आई ब्लॉक में मेरा निवास स्थान है। लगभग 22-23 सालों से मैं यहां पे रह रहा हूं मैं, और एक जमीनी स्तर से उठा हुआ मैं कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने आज मुझे एक सिंबल भाजपा का दिया है। एक छोटे से कार्यकर्ता जो एक बूथ स्तर से कार्यकर्ता उठा हुआ है, सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूं। मैं भूल गया आपका धन्यवाद अदा करने के लिए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। सबसे बड़ी प्राथमिकता यहां पे है, ये पूरा एक कॉलोनी का एक वार्ड है। आज तक यहाँ के निगम पार्षद जो अभी वर्तमान में यहाँ पर रहे हुए हैं, ना एक कोई सामुदायिक भवन नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, यहाँ पे अनऑथराइज कॉलोनिया है तो मैं एक सामुदायिक भवन बनाने की मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। सुरेश पांडे ने कहा कि निवर्तमान पार्षद ने स्वरूप नगर वार्ड क्षेत्र में जनता के हित में कोई भी ठोस कार्य नहीं किया है। इलाके के सभी नालियों गंदगी से भरी पड़ी हैं, साथ ही इलाके में जगह जगह कूड़े के ढेर भी पड़े हुए हैं। ऐसे में अगर जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता सुरेश पांडे को पार्टी ने टिकट दिया है, अगर वे जीत कर आते हैं तो वे इलाके की जनता के हित में कार्य करेंगे। कोई भी ढंग का काम ना होने से वार्ड की जनता परेशान है। यही कारण है कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश पांडे ने जनता के सामने हाथ जोड़कर कहा कि वह सफाई व्यवस्था पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। साथ ही इस वार्ड में सामुदायिक भवन भी नहीं है जो गरीब और अन्य लोगों के काम आए। उनकी प्राथमिकता होगी कि इस वार्ड में सामुदायिक भवन बनाया जाए। पार्कों की संख्या ना के बराबर है, लेकिन जो पार्क है वह बदहाल हालत में है, इसलिए उनको भी विकसित करवाएंगे। जैसे लोगों का अपना, गरीब लोग यहाँ पे बहुत रहते हैं, अपने बहन बेटियों की शादी यहाँ आराम से कर सकते हैं। दूसरी प्राथमिकता है कि यहाँ पे कोई एक वार्ड नहीं है पूरे वार्ड में। इस वार्ड का दुर्भाग्य है, और ये जो नेता है, चाहे वो दूसरी पार्टी के, आम आदमी पार्टी को, चाहे कांग्रेस के पार्टी को, उन्होंने कभी इस कॉलोनी का इन्होंने ख्याल ही नहीं रखा। इस वार्ड में एक भी कोई ऐसा पार्क नहीं है जो ढंग से कोई एक विकसित पार्क हो यहाँ पे। तो मेरी दूसरी प्राथमिकता यह है कि मैं यहाँ के लोगों के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, एक मैं हरा भरा यहाँ पार्क विकसित करने का मेरा इरादा है। देखो कि ये चुनावी पर्व है, इसको मैं कठिनाई तो नहीं मानता है, ये लोकतंत्र का पर्व है। इस लोकतंत्र पर्व का एक आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कठिनाई तो है ही है। देखो सुबह निकलना, 6 बजे भाग निकलना, घर से निकलना, रात को 12-1 बजे घर पहुंचना है, फिर वहां कल की प्लानिंग करना, कैसे जाना है, कहां सुबह कहां मीटिंग करना है। कठिनाइयां तो है ही है, लेकिन इस कठिनाइयों में मुझे एक आनंद मिल रहा है, जनता का बड़ा प्यार मिल रहा है मुझे। सुरेश पांडे की अगर बात करें तो वार्ड के अंदर उनकी साफ छवि एक गरीब और शरीफ प्रत्याशी की धारणा बनी। चुनाव में यदि किसी प्रत्याशी के पीछे जनता गरीब और बेचारा शब्द लगाए, उस शख्स को हराना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुरेश पांडे धन बल से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को भी पछाड़कर जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में दावे तो सभी पार्टियां करेंगी, लेकिन वास्तव में जनता किसे जीत दिलाती है, यह तो 7 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। भारत दर्पण टीवी के लिए सेजल प्रजापति की रिपोर्ट।